मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उड़ेलते उड़ेलते अपनी ही बहनों को बना लिया निशाना, दुनिया करने लगी धू धू। पहले बुर्का पहनाया, फिर इस्लाम का दिखावा करवाया, जैसे ही खुली बोल पहले लगाई फटकार, फिर खदेड़ दिया। मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का मिला था ठेका, योगी के नाम पर करना था बड़ा तमाशा, खेल खत्म। ये रेहाना है, हम इसके साथ शादी कर लिए हैं और अपने रीति रिवाज में, तो अब तो शादी तो कर ही लिए हैं, अब जा रहे हैं इसके साथ रंगलरिया मनाएंगे दोस्तों। हाल ही में याद तो होगा कि आरएसएस का एजेंडा सबके सामने आया था कि मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ उड़ेली गई थी गंदगी, बताया गया था कि बनाना है सबको एक एक कर निशाना, ना ना इस मुल्क के दुश्मनों से लड़ने के लिए आरएसएस तैयार नहीं कर रही थी अपनी फौज, उसके निशाने पर तो बच्चियां थी, छोटी छोटी बच्चियां जो इस्लाम को मानती हैं, जो हिजाब पहनती हैं, जो कुरान पढ़ती हैं, बस उनकी आबरू को लूट लेना था। उस एजेंडे की घिनौनी बातों ने देश निर्माण की बात करने वाले एक संगठन की पोल खोली थी कि कितनी गलीज सोच है, लेकिन अब उसका परिणाम भी दिखने लगा। ये रेहाना है, हम इसके साथ शादी कर लिए हैं और अपने रीति रिवाज में, तो अब तो शादी तो कर ही लिए हैं, अब जा रहे हैं इसके साथ रंगलरिया मनाएंगे दोस्तों। पहले पहल तो जब ये वीडियो सामने आई थी तो हिंदुओं के ठेकेदार बने कुछ लोग गुदगुदाने लगे थे, ऐसे ठेकेदारों की वजह से चलती है जिनकी सियासी दुकान, वो मुस्कुराने लगे थे कि देखो एक शेर हिंदू भाई ने मुस्लिम समाज की बच्ची को कब्जे में कर लिया। इस घिनौनी वीडियो को शेयर किया जा रहा था, मौज उड़ाई जा रही थी, मुस्लिम समाज की बच्चियों के खिलाफ गंदगी उड़ेली जा रही थी। ये रेहाना है, हम इसके साथ शादी कर लिए हैं और अपने रीति रिवाज, तो अब तो शादी तो कर ही लिए हैं, अब जा रहे हैं इसके साथ रंगलरिया मनाएंगे दोस्तों। जी, हम हाथगढ़ के शादी किए हैं और गरीब हैं, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर शादी किया है तो आशीर्वाद तो जरूर दीजिएगा, लेकिन कुछ मदद भी कर दीजिएगा, 1,00,000 रुपया मेरे खाता पर भेज दीजिएगा। जिस लड़की के साथ ये आदमी शादी का दावा कर रहा था, जिसे बुर्का पहनाकर मुसलमान बता रहा था, जिसके साथ घिनौना काम करने की नुमाइश कर रहा था, उसकी पोल खुली तो हिंदुओं के स्वयं ठेकेदारों की सांसें अटक गईं, क्योंकि बेइज्जत करना था मुस्लिम बच्चियों को, लूटनी थी उनकी अस्मत, लेकिन नीचा दिखाने के लिए जब कोई नहीं मिला तो इस आदमी ने अपनी बहन को शिकार बना लिया। लोग जो है भाई बहन है, आपस में भाई बहन ने कर लिया है शादी, दोस्तों हम लोग इनसे पहले पर्चे करवाते हैं जी। आप लोग बताइए, आपने अपने ही बहन से अपने ही भाई से शादी क्यों किया आपने? हम लोग को प्यार चल रहा था, प्यार हो गया था, प्यार चल रहा था, हो गया था। सारा खेल जैसे ही खुला वैसे ही लुच्चे लफंगों की फौज भाग खड़ी हुई, जो दावा कर रहे थे मुस्लिम महिला को शिकार बनाने पर मिलेंगे लाखों, वो अपने अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठे। ये रेहाना है, हम इसके साथ शादी कर लिए हैं और अपने रीति रिवाज में, तो अब तो शादी तो कर ही लिए हैं, अब जा रहे हैं इसके साथ रंगलरिया मनाएंगे दोस्तों। जी, हम हाथगढ़ के शादी किए हैं और गरीब हैं, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर शादी किया है तो आशीर्वाद तो जरूर दीजिएगा, लेकिन कुछ मदद भी कर दीजिएगा, 1,00,000 रुपया मेरे खाता पर भेज दीजिएगा। स्पेशल डेस्क, द कंटा।